नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। भदोही की ज्ञानपुरी सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा की लखनऊ स्थित फ्लैट की कुर्की करवाई गई। इस फ्लैट की कीमत लगभग 12 करोड़ है। कुर्की की कार्रवाई के लिए भदोही पुलिस लखनऊ पहुंची थी। चौदह एक के तहत मकान कुर्क करना है, आ रहे हैं नया तहसीलदार साहब, जब कार्रवाई हो जाएगी तो बता। किसका मकान? किसका मकान? किसका मकान? बिला है 39वां बिला। किसका नाम क्या है? नाम रूपा मिश्रा का। ये कौन? रूपा मिश्रा। हाँ, क्या यहाँ कोई रहता है अभी इस मकान में? अभी आते हैं, देखा जाएगा कहाँ रखता है, नहीं तो खाली कराना है, खाली करा के करा दिया। पत्नी है विष्णुकांत मिश्रा की, उनके ससुर हैं विजय विजय मिश्रा विजय मिश्रा विजय मिश्रा गैंग स्टेट। हम आए हैं गोपीगंज से। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। भदोही प्रशासन द्वारा अभी तक विजय मिश्रा की 45 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इस पूरे मामले पर विजय मिश्रा की पत्नी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी। अकेले यहाँ रह रही है और भी कोई रह रहा है? नहीं, हमारी बहू थी, दो बच्चे छोटे छोटे। जिनके नाम पर है रूपा मिश्रा यहाँ रह रही थी, वो भी है यहाँ? रूपा मिश्रा के नाम पर नहीं है, ये मत पूछिए, बस इतना जानिए कि डीएम का आर्डर है, मैं निकल गया। नहीं, पुलिस का कहना है रूपा मिश्रा के नाम पर है। नहीं, चले जाए। आपका आर्डर रूपा के नाम का है ना? रूपा मिश्रा के नाम पर है जी। मान लीजिए जिसके नाम हो, ये आप क्या करेंगे? आप कौन हैं? उनकी सास है, उनकी सास विजय मिश्रा की। रूपा मिश्रा कहाँ है इस समय? आप विजय जी की वाइफ है? आप विजय मिश्रा जी की वाइफ है जी। अच्छा, तो ये आपकी बहू का बंगला है जी? अच्छा, मान लिया किसी का बंगला हो, मैं नहीं जानती। ये कितने का है बंगला? हम बंगला नहीं जानते, जो सेंटर रेट होगा वो 4-8 साल पहले लिए। कब लिया था? ये लिए है हम 2014 से, पैसा आ रहा था। तो यहाँ पर आप परमानेंट रह रहे थे? हाँ। मैम, आपको पता है कि इसकी कुर्की की कार्रवाई अभी कुछ 3 दिन पहले आए रहे, क्या आप लोग छेके हैं भाई? विजय मिश्रा की संपत्ति की कुर्की के कार्रवाई के अवसर पर लखनऊ सदर की नायब तहसीलदार भी मौजूद थी। क्या यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भदोही सर के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है और डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं। यूपी में अपराधियों माफिया सरगनाओं के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का मकसद राज्य में संगठित अपराध और जरायम पेशा लोगों पर लगाम लगाना है।